सो हेलो डियर आर्मी, क्या हाल है आप लोगों का। मैं हूं कसम फरहान और आप लोग देख रहे हैं डियर फैंस चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग ऑलमोस्ट 3 महीने बाद बेंटन मिस्टेक्स ला चुके हैं, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। सो आज की हम लोग बेंटन एलियन फोर्स की मिस्टेक्स निकालने वाले हैं, और जिन एपिसोड में से हम मिस्टेक्स निकालने वाले हैं उन एपिसोड का नेम मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूं। सो जी हां, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गो। Hold up. मिस्टेक नंबर 1, जब ये लोग विक्टर वैलिडस की लैब में जाते हैं तो डोर के ऊपर जो साइन है वो गलत लिखा होता है। वहाँ लिखा होता है वैलिडस लेबोरेटरीज, हालांकि ये तो एक ही लेबोरेटरी है, लेबोरेटरीज का क्या मतलब है। मिस्टेक नंबर 2, इस सीन के अंदर आप लोगों ने कुछ भी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन इसके अंदर टेरस्पिन की जो बॉडी है वो मिसकलर्ड है। सो गाइस, सीन के अंदर जब बेन कहता है इंक्रेडिबल, सिंपली इंक्रेडिबल, तो तब आप लोगों ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होगा कि जो उसकी अल्टीमेट ट्रिक्स है वो गायब हो गई है। इस सीन के अंदर आप लोग देख सकते हो कि जो बेन है वो नैनो चिप दिखा रहा है एलिना को, लेकिन आपने बिल्कुल नोटिस नहीं किया होगा कि ये नैनो चिप जो है बाकी नैनो चिप से थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो गाइस, इस सीन के अंदर बेन जब मजे से अपने घर पर बैठा होता है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होगा कि उसकी अल्टीमेट ट्रिक्स का जो डायल है उसका फेस गलत जगह पर है। तो इस सीन के अंदर आप लोग देख सकते हो कि बर्गर शैक के अंदर केविन और ग्वेन बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी टेबल पे बर्गर और ड्रिंक आ जाती है, और उसके अगले सीन में तो एक चाय का कप भी आ जाता है। सो इस सीन के अंदर जब वाटर हैजल जो है विक्टर वैलिडस को दूसरी बार अटैक करने के लिए जाता है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होगा कि उसके अल्टीमेट ट्रिक्स के सिंबल के ऊपर ब्लैक कलर ही नहीं है। सो गाइस, अगली मिस्टेक काफी मजेदार है। जब आपको दिखाया जाता है कि जूली के हाथ बांधे हुए हैं तो वो पीछे वाली साइड पर होते हैं, लेकिन अगले सीन के अंदर जैसे ही वो बाहर आती है तो वो आगे वाली साइड पर होते हैं। तो गाइस, सीन के अंदर आप लोग देख सकते हो जब एलिना ने नैनो चिप्स का ब्लास्ट किया था आर्मर ड्रिलो के ऊपर, तो आपने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होगा कि आर्मर ड्रिलो की जो टेल है वो गायब हो गई थी। तो गाइस, इस सीन के अंदर आप लोग देख सकते हो कि विक्टर वैलिडस, ग्वेन और केविन तीनों लड़ रहे हैं, लेकिन जब एलिना जूली से बात करने के बाद अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए जाती है, तो आप लोग देख सकते हो कि पीछे वाली साइड पे ना ग्वेन है, ना केविन है, ना विक्टर वैलिडस। तो गाइस, इस सीन के अंदर जब बेन जो है वो कहता है बट नॉट गुड एज अस इन कॉम्बैट प्रैक्टिस, तब वो एलियन बनने के लिए अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर प्रेस करता है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होगा कि उसकी अल्टीमेट ट्रिक्स उसके राइट हैंड पर भी थी। सो गाइस, कॉम्बैट प्रैक्टिस के दौरान अल्फा स्क्वाड के एक मेंबर ने केविन को पकड़ा था, लेकिन आपने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होगा कि इसी सेम बंदे ने ग्वेन को भी पकड़ा था। सो गाइस, वैसे तो आपने देखा होगा ग्वेन के बाल यूजुअली गोल्डन रहते हैं, लेकिन इस सीन के अंदर आपने नोटिस नहीं किया होगा कि ग्वेन के हेयर जो है वो ब्लैक हो जाते हैं। सो गाइस, इस सीन के अंदर जब मिस्टर हल्का जो है कॉलर से फाइट कर रहे हैं और उसको नल वॉइड में फेंक रहे हैं, तब आपने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होगा कि एक स्प्लिट सेकंड के लिए कॉलर का एक हाथ जो है वो थोड़ा सा कट हो जाता है। सो गाइस, इस सीन के अंदर जब ब्रेनस्टॉर्म जो है अपनी डेथ होल की डायग्राम कंप्लीट कर लेता है कि यहाँ पर डायनासोर और रोबोट का स्टैचू है ही नहीं। सो गाइस, इस सीन के अंदर जब रैथ टेक्डागन रोबोट से दोबारा लड़ने के लिए जाता है, तो आपने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होगा कि उसके अल्टीमेट ट्रिक्स का जो सिंबल है वो वाइट हो गया था। सो गाइस, इस सीन के अंदर जब टेक्डागन रोबोट रैथ को पंच करता है जब रैथ नॉकआउट हो चुका होता है, तो आपने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होगा कि जो रैथ की नेक है वो ऑरेंज कलर की है। वैसे तो आपने देखा हुआ है रैथ इस तरह का दिखता है, लेकिन इस सीन के अंदर अगर आप नोटिस करो तो रैथ का जो आर्म है वो पूरा ऑरेंज है। सो गाइस, इस सीन के अंदर आप लोग देख सकते हो कि बिगचल गायब हो चुका है, लेकिन फिर भी सिल्वर टेक्टागन रोबोट उसको पोल से टच कर सकता है। वैसे तो आपने देखा होगा अल्टीमेट बिगचल इस तरह का दिखता है, लेकिन इस सीन के अंदर इसका पूरा सर रेड हो गया था। तो गाइस, अगली मिस्टेक आखिरी मिस्टेक है, लेकिन काफी ज्यादा फनी है। जब मैजिस्टर हल्का जो है वो अंदर आ रहे होते हैं और सब लोग एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, तब आपने बिल्कुल नोटिस नहीं किया होगा कि जो बेन की आंख है वो क्रॉस आइड हो जाती है, यानी कि आगे पीछे हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं जल्दी जल्दी वीडियोस डाल रहा हूँ, और उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और आप इसी तरह का कंटेंट रेगुलरली देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट बनाता रहूंगा। सो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे आने वाली बेहतरीन और मजेदार वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय।